प्रेज गॉड, सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय आपका पास इस वजन लेके आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज फिर से हम नीति वचन उसका 16 अध्याय से हम फिर से देखेंगे। नीति वचन 16 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराते हैं। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मेरा प्रियो, परमेश्वर का दृष्टि में हम अच्छा लगना है। हम बहुत सारे लोग मनुष्यों का दृष्टि में अच्छा बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप जितना भी कोशिश करो आखिरी में आपको दुख मिलेगा, क्योंकि आपकी कोशिशों से पूरा नहीं हो सकते। आप 10 दिन एक व्यक्ति के लिए अच्छा करें, 1 दिन थोड़ा सा गलती हो गया, गया। आप में से बहुत लोग आपका बहुत करीब मित्र के साथ बहुत दिन अच्छा रहा, लेकिन 1 दिन कुछ गड़बड़ हो गया, आपका करीब मित्र आपका बड़ा बहुत बड़ा शत्रु बन गया। हम दुनिया के सामने बहुत अच्छा बनने की बहुत कोशिश है, हम कोई भी ऐसे अच्छा बन ही नहीं सकते। जब तक परमेश्वर नहीं बनाएगा हम अच्छा बन नहीं सकते। हम अच्छा ही नहीं है। कौन अच्छा है? परमेश्वर अच्छा है। एक दिन यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आकर बोला है, आप अच्छा है। यीशु मसीह ने कहा, भला व्यक्ति परमेश्वर है। तुम मेरा मुझे भला क्यों कहते हैं? भला परमेश्वर है। गॉड इज गुड। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, बोलना है प्रभु मेरे से नहीं हो सकता, आप मेरे जीवन में आ, आप मुझे भले काम करने के लिए, अच्छा बनने के लिए मदद करें। और उसके बाद हम मनुष्य की दृष्टि में अच्छा बनने की एक नाटक खेलने की जगह परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा बनने के लिए इच्छा रखो। मनुष्यों का दृष्टि में अच्छा बनने के लिए इच्छा रखेगा वो उसके लिए कोशिश करेगा, आप एक मखौटा पहनकर चलना पड़ते। एक दिन आपका जो नकाब उतर जाएगा सब खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग फेक लाइफ जीते। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी मनुष्यों का सामने अच्छा बनने की एक नाटक खेलते हैं, बंद करके बोलो, प्रभु जितना भी अच्छा करने की कोशिश करते गलत हो जाते हैं। अब मैं मनुष्यों का दृष्टि में नहीं, आपका दृष्टि में, मैं आपको बोलूं परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा बने और परमेश्वर सबका सामने आपको आदर करेगा, आपको बढ़ाएगा। बाइबल कहते परमेश्वर बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें खूरे पर से उठाकर अतिपतियों का साथ बैठा देते। अगर परमेश्वर का दृष्टि में आप अच्छा है, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर आपका शत्रुओं को आपका मित्र बना देंगे, आपको परमेश्वर का फेवर मिल जाएगा। आप देखिए, यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। यीशु मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं जिया, परमेश्वर को। इसलिए स्वर्ग से यीशु मसीह यरदान में बपतिस्मा ले रहे थे, स्वर्ग से ये वाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इन पर मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। यीशु मसीह ट्रांसफिगरेशन माउंट में आमेन 3 चेलों का साथ वहां पर था, तो यीशु रूपांतरित हुआ है, वहां पर स्वर्ग से यह वाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनका तुम सुनो। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपका बारे में ऐसा बोलने पाए। परमेश्वर वचन में अलग अलग जगह में हम देखते हैं, मूसा के बारे में परमेश्वर बोलते हैं, पृथ्वी में मूसा जैसे नम्र व्यक्ति और कोई नहीं है। परमेश्वर दाऊद का विषय में कहते हैं, मेरा हृदय के अनुसार बनाए हुआ इंसान। परमेश्वर कालेब और यहोशू का विषय में कहते हैं, हमें कालेब जैसे, कालेब के अंदर कुछ अलग आत्मा है, उनकी विश्वास बहुत दृढ़ थे।
बाकी सारे लोग नकारात्मक बातें बोलने का बीच में भी कालेब और यहोशू कहते हैं परमेश्वर ने वायदा किया कनान में देंगे, आमीन, पक्का हम उसको अवकाशी बन जाएगा, उसका अधिकारी बन जाएगा, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया ही, आमीन। उनका जीवन में परमेश्वर के वचनों पर भरोसा था। आपका जीवन में आप परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा बनने की आमीन कोशिश करें। उसके अगले वचन ऐसा लिखा हुआ है आठवीं वचन में, अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से बहुत सारे कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन शांति नहीं है। लेकिन आप न्याय की थोड़ा सा कमाई है लेकिन उसमें शांति आनंद मिले, आपका कॉन्शियंस, आपका दिल कहने पाए, आपका मन कहने पाए मैंने किसी का गलत तरीके से नहीं लिया, उसमें आपको शांति है, उसमें आपको बरकत है, उसके आपका आशीष है। परमेश्वर इन सारी वचनों के द्वारा हमें आशीष करे, हमारा जीवन में हम कोशिश करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपको प्रसन्न करने वाला, मैं अन्याय की कमाई में मैं रुचि नहीं रखेंगे, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो मिलते हैं उसमें आनंद रखता हूँ। प्रभु उसके लिए मदद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज वचन सुनने वाला हर एक प्रत्येक जन ये वचन के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति बना दे। अगर हमारे जीवन में ऐसे एक 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 फेक लाइफ जीवन बिताने वाला कोई हमें सुनते हैं प्रभु उनका जीवन को आप बदल दें। बहुत समय से मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश किया लेकिन हो ही नहीं पा रहे, पवित्र आत्मा मदद करे आपको प्रसन्न करने का जीवन बिता सके। पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमेन। गॉड ब्लेस यू, आज का दिन आशीष का दिन रहे।